नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हम बात करेंगे मंदी। मंदी को लेकर आखिर क्यों हाहाकार मचा हुआ है? पूरे देश में इस समय मंदी को लेकर चर्चाएं हो रही है। बाजारों में चर्चाएं हैं, व्यापारियों में चर्चाएं हैं, सभी वर्ग में चर्चाएं हैं, नौकरी पेशा वर्ग में चर्चाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूट्यूब पर जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोज आ रहे हैं उनमें भी लगातार यह बताया जा रहा है कि हमारा देश मंदी की चपेट में आ चुका है। हालांकि सरकारी तौर पर इन सभी बातों की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उनसे लग रहा है कि लगातार मंदी बढ़ती जा रही है देश के जो अलग अलग सेक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो घरेलू विकास दर का आंकड़ा आया है, यानी जीडीपी का जो आंकड़ा आया है, जीडीपी का आंकड़ा 5% बताया गया है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि जो 5% का जो आंकड़ा है वह भी झूठा हो सकता है, यानी वास्तव में जीडीपी 2 या 2.5% ही है। कुल मिलाकर यह जीडीपी की जो स्थिति है इसने पूरे देश में घबराहट मचा दी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लें, ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लें, टेक्सटाइल सेक्टर ले लें, किसी भी एक सेक्टर की अगर हम बात शुरू करें तो सभी सेक्टरों में मंदी है। मंदी का मतलब यह है कि मांग ही नहीं है, उपभोक्ताओं में मांग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ताओं की मांग कहाँ चली गई? आखिर क्या वजह है कि उपभोक्ताओं के पास किसी भी वस्तु की कोई मांग नहीं है? पार्ले जी को लेकर जब बात चली तो पार्ले जी के बारे में कहा गया कि 5 रुपए का बिस्किट नहीं बिक रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों ने बिस्किट खाना ही बंद कर दिए? लेकिन इसे लेकर यह कहा गया कि पार्ले जी ने 10,000 लोगों की छटनी कर दी और आने वाले समय में उसके यहाँ जो उसकी सारी फैक्ट्रियों में 1,00,000 लोग कार्य करते हैं उनके ऊपर भी अभी तलवार लटकी हुई है। अब पार्ले जी के बिस्किट क्यों नहीं बिक रहे हैं? सवाल इस बात का, इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह बताई गई है कि जो जीएसटी है, जीएसटी जो लागू की गई है बिस्किट्स पर, उसने पार्ले जी को प्रभावित किया है। और 5 रुपए वाला जो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है उसमें बिस्किट की संख्या लगातार घटती चली जा रही है, क्योंकि पार्ले जी को यह खतरा है सबसे बड़ा कि अगर हमने कीमत बढ़ाई तो हमारे बिस्किट बिकना बंद हो जाए। अब बात करते हैं टेक्सटाइल मार्केट की। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बताते हैं बनियान, जांघिए, रुमाल ये भी नहीं बिक रहे हैं। व्यापारियों को कहना है कि बारिश के दिनों में आमतौर पर मांग ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कपड़े सूखते नहीं है। जो व्यक्ति एक बनियान या जांघिया खरीदता है वह 4-4 जोड़ खरीदता है, लेकिन इस बार बारिश में ऐसा कुछ नहीं। और हालत यह है कि यहाँ पर ले ऑफ दिया जा रहा है, यानी वीक में 1-2 दिन छुट्टी दी जा रही है। सूरत टेक्सटाइल का सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि टेक्सटाइल की मंदी सबसे बड़ी मंदी है इस समय, सबसे ज़्यादा संकट इस पर गहरा रहा है। सूरत की बात करें तो यहाँ का हीरा उद्योग भी प्रभावित हुआ है, वहाँ 10,000 से अधिक कर्मचारियों के पास काम नहीं। हीरे तराशने का सबसे बड़ा केंद्र है सूरत, लेकिन वहाँ बेरोजगारी फैल गई है, वहाँ के मजदूर बेकार हैं, हीरा तराशने वाले अपने अपने गाँव में लौट रहे हैं क्योंकि वे वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, वो कैसे वहाँ अपना जीवन यापन करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो लगातार फैक्ट्रियों में काम बंद हो रहा है। मजदूरों का कहना है कि हमें काम नहीं मिल रहा है। मारुति तक की यह हालत है कि वहां पर वीक में 2 बार छुट्टियां दी जा रही है। मारुति कंपनी जो कि हर साल बढ़ा चढ़ाकर उत्पादन करती थी, जिसका उत्पादन लगातार हर साल बढ़ चढ़कर होता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां के कर्मचारियों को घर बैठना पड़ रहा है, उनके पास काम नहीं। कंपनी उन्हें कह रही है कि आप 2 दिन की छुट्टी और ले लीजिए, वीक में एक ऑफ तो मिलता ही था, 2 दिन की छुट्टी और ले लीजिए। कर्मचारियों को यह समझ में आ गया है कि मारुति कारों की बिक्री घटी है, और हाल ही में जो आंकड़े सामने आए उनमें बताया गया है कि 36% ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री में कमी आई है।
और कंपनियों की ये हालत है कि 4-4 लाख रुपए तक की छूट का ऑफर दे रही हैं, इसके बाद भी ग्राहक कार खरीदना नहीं चाहता। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है कि जब पैसा होता है तो व्यक्ति कीमत नहीं देखता, कितनी भी कीमत की कार हो व्यक्ति खरीद लेता है, लेकिन जब बाजार में पैसा ही नहीं है तो फिर छूट देने का भी क्या मतलब है। और यही हो रहा है, छूट देने के बाद भी कारों की बिक्री बढ़ी हो ऐसी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। हाल ही में फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसने जो बात भारत के बारे में कही है उसका ये कहना है कि घरेलू मांग में कमी आ रही है और यही मंदी की सबसे बड़ी वजह है। उसने भारत की रेटिंग भी घटाई है और भारत की रेटिंग घटाने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इमेज खराब होना। पूरे विश्व के देशों को यह समझ में आ रहा है कि भारत एक खतरनाक मंदी की चपेट में आ चुका है। अब सवाल इस बात का है कि मंदी से बाहर कैसे निकला जाए, सरकार उसके लिए क्या कदम उठाए और अर्थशास्त्रियों की क्या राय है, किस तरह से भारत मंदी के बाहर आ सकता है। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अलग अलग जगहों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से लगातार मांग में कमी आ रही है, उपभोक्ता मांग में कमी आ रही है और यही वजह है कि उत्पादन ठप हो गया है क्योंकि माल बिक ही नहीं रहा है। जब माल नहीं बिक रहा है तो कारखाना उत्पादन क्यों करेगा, किसके भरोसे करेगा। ऑटोमोबाइल एजेंसी की कई डीलरशिप एजेंसियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि कारों की बिक्री नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर जो पूरे पिक्चर उभर रही है इस समय वो एक ऐसी मंदी की उभर रही है जिसके बारे में बातें बहुत हो रही है, लेकिन इसको लेकर जो सकारात्मक पक्ष सरकार की तरफ से आना चाहिए वह अभी तक नहीं आया है। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए gamasan.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.